आज हम लोग चालू करेंगे वीविंग। ठीक है, वीविंग में हालांकि आप लोग ने थोड़ा सा पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका वीविंग स्टार्ट हो रहा है थर्ड यूनिट में। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ये जो हमारे पास दिख रहा है ये एमसी, एमसी मतलब मशीन कोऑर्डिनेट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैमरा। ठीक है, देन वी हैव विंडो कोऑर्डिनेट, देन वी हैव व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट, नॉर्मलाइज्ड व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट एंड देन डिवाइस कोऑर्डिनेट। ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या रहा है, क्या किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? ये हो रहा है आपका मशीन कोऑर्डिनेट, मतलब सबसे पहले जो भी आपने इमेज कैप्चर करना है, वो इमेज कैप्चर करने के लिए क्या करेगा, आप कोई भी एक कैमरा डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग कोऑर्डिनेट और मशीन कोऑर्डिनेट। ठीक है, जहां से आपने कैप्चर किया, आफ्टर कैप्चरिंग वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू विंडो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स इनटू सॉरी मॉडलिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, आफ्टर दैट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट और व्यूइंग कोऑर्डिनेट, एंड देन फाइनली फ्रॉम व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट वी हैव टू यूज अ नॉर्मलाइज्ड व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस कोऑर्डिनेट। ये हो क्या रहा है यहाँ पर, अपने जैसे कैमरे से ये आपका जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, बेसिकली ये होता है आपका पूरा आपका जो इमेज है। जैसे यहाँ पे मेरी ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ये पेन दिख रहा है। ठीक है, कुछ छोटा सा और अपना जो भी इस इमेज में है वो दिख रहा है, बाकी मेरा जो पूरा टेबल है वो आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द अपर्चर ऑफ योर कैमरा। ठीक है, तो जो अपर्चर है वही हमारा कहलाता है विंडो। तो विंडो मतलब उस कैमरे का जो अपर्चर है उतना ही आप देख सकते हैं, उससे बाहर का चीज आपको नहीं दिखेगा। तो वहां से क्या हो रहा है, आपका मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, मेरा पेन है, हो सकता है 12 इंच का है, लेकिन आपका उसमें जो डिवाइस है उसमें 2 इंच या 3 इंच का दिख रहा है। दैट इज व्हाट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग और स्केलिंग दैट ऑब्जेक्ट। जो मेरा एक पूरा A4 पेपर है वो आपके मोबाइल स्क्रीन में आपका 2 या 3 इंच का दिख रहा है। ठीक है, अगेन इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग, स्केलिंग डाउन। ठीक है, आपने फर्स्ट स्पेस हो गया, आपने कैप्चर कर लिया विंडो में। ठीक, कैप्चर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको व्यूइंग कोऑर्डिनेट मींस कितना पार्ट आपका व्यू होगा और कितना आपका नहीं होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस चीज है, जितना कैमरे के अपर्चर में आ रहा है वो आपका फोटो में आएगा, या बोलना चाहिए डिस्प्ले में आएगा, और जितना उस अपर्चर के बाहर है वो नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद होता है हमारा व्यूइंग कोऑर्डिनेट टू नॉर्मलाइज्ड व्यूइंग कोऑर्डिनेट। ये सबसे बड़े काम का है, नॉर्मलाइज्ड व्यूइंग कोऑर्डिनेट। ये आपका एक स्टैंडर्ड इमेज होता है, स्टैंडर्ड इमेज इन द सेंस एक स्टैंडर्ड साइज में हम लोग इसको 1:1 में कन्वर्ट करते हैं, ताकि फिर ये इन फ्यूचर किसी भी साइज के डिवाइस में डिस्प्ले किया जा सके। हो सकता है आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको 2x2 इंच x3 इंच में इसको डिस्प्ले करना है, यदि आप उसको प्रोजेक्टर में देख रहे हो तो हो सकता है 3 फीट 4 फीट में डिस्प्ले करना है, या आप कंप्यूटर में शो कर रहे हो तो 12 इंच 10 इंच में शो करना है। सो वी रिक्वायर स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड व्यूइंग कोऑर्डिनेट टू स्टोर द इमेज और वीडियो, देन ओनली इट विल ट्रांसफर टू द डिवाइस कोऑर्डिनेट एंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर डिवाइस। ठीक, ये एक बार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, व्यूपोर्ट कोऑर्डिनेट एंड नॉर्मलाइज्ड विंडो कोऑर्डिनेट, डीसी कोऑर्डिनेट। चारों ट्रांसफॉर्मेशन आपके मोर और लेस एक जैसे ही हैं। ठीक है, होता क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज ये आपका कोई सीन बना हुआ, ये दिख रहा है मेरा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो, अरे घूम गया एक मिनट ना, छोटा सा इमेज बनाया हुआ है जिसको मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मतलब आपने कहीं घूमने गए, ये मेरा एक वर्ल्ड है। सपोज आप कहीं घूमने गए हो और आपको एक सीनरी इस तरह से दिख गया। ठीक है, सूर्य है, पहाड़ है, अब आपने इसको कैप्चर करना है थ्रू कैमरा। अब आपके पास जो भी कैमरे का अपर्चर है वो तो लिमिटेड है, आप पूरे का कैप्चर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक विंडो बनाते हैं। ये विंडो डिफाइन करता है कि आपका कितना इमेज कैप्चर होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल विंडो। ठीक है, अब ये विंडो में क्या हुआ, सिर्फ आपका एक 2-3 पहाड़ आ रहे हैं और उसमें छोटा सा सूर्य आ रहा है, ये आपका विंडो हुआ। अब विंडो की साइज तो आपका कैमरा डिफाइन कर लिया, ये वर्ल्ड था, वर्ल्ड से आपने विंडो में ले आए।
ठीक है, मॉडलिंग जो ट्रांसफर मॉडलिंग टू विंडो, देन विंडो टू। अब हमको क्या करना पड़ेगा इसको, अब कोई जरूरी नहीं कि मेरा जो कैमरे का अपर्चर है उसी साइज का मेरा व्यू पोर्ट हो, व्यू पोर्ट जनरली इससे छोटा होता है। ठीक है, जो विंडो है और जो व्यू पोर्ट है इसमें जनरली आपका जो साइज है वो आपका रिड्यूसिंग साइज रहता है। तो हालांकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इमेज यही बनेगी आपकी, ठीक है, इमेज यही बनेगी, बट ओनली थिंग इज दैट जो एक्सटर्नल पार्ट है विंडो के जो बाहर है वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, विंडो के अंदर जो है उतना ही व्यू पोर्ट में दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी जो तीन चार ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे उसमें भी वही होगा आपका, जितना बोलना चाहिए विंडो टू व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट टू नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन टू डिवाइस कोऑर्डिनेट, या फिर वर्ल्ड टू विंडो, सारा ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बस उसका रेशियो का फर्क रहा है। जैसे हमने व्यू पोर्ट किया, व्यू पोर्ट टू जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में ये चीज आपकी फिक्स रहती है, ठीक है, 1:1 का ही रहेगा। तो फिलहाल हम लोग एक विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है, फिर बाकी चीजों में हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी इमेज को मैं फिर से थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्लियर में मैं। ये मेरा विंडो है और ये मेरा व्यू पोर्ट है। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। अभी तो मैं इसमें बात भी नहीं किया हूँ कि अपने कैमरे को रोटेट कर दिया तो रोटेशन का भी आएगा। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कैमरा है दैट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपका जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड में हो सकता है कैमरा आपने इस तरह से भी रखा हो तिरछा, ठीक है, झुका हुआ फोटो, तो अगेन व्यू पोर्ट जो रहेगा तो स्टैंडर्ड पोजिशन में ही रहेगा, तो वहां पर भी वो चीज आपको कंसिडर करना रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम स्केलिंग यू हैव टू ऑल्सो परफॉर्म द रोटेशन। अब यहाँ पे इसको हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं या न्यूमेरिकल कैसा रहता है इसका। ये जो विंडो है, विंडो दो वैल्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू एक्स विंडो का एक्स का मैक्स एंड डब्ल्यू एक्स मीन, सॉरी डब्ल्यू वाई मैक्स, ठीक है, डब्ल्यू एक्स मैक्स डब्ल्यू वाई मैक्स। सिमिलरली यहाँ पे जो रहेगा ये वाला जो पॉइंट है डब्ल्यू एक्स मीन एंड डब्ल्यू वाई मीन, ठीक है, देन ये वाली जो चीज है आपकी वी एक्स मीन विंडो का एक्स पॉइंट का मिनिमम, विंडो का वाई का मिनिमम, ठीक, सॉरी विंडो नहीं व्यू पोर्ट, वी फॉर व्यू पोर्ट, वी एक्स मैक्स एंड वी वाई मैक्स, आया समझ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसमें जब हमको इस विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो पॉइंट है उसका यहाँ से जो डिस्टेंस है इतना जो डिस्टेंस है वही रेशियो यहाँ पर भी मेंटेन होना चाहिए, मतलब छोटा तो कर रहे हैं हम लोग लेकिन रेशियो मेंटेन होना चाहिए। अगर यहाँ से एक इंच की दूरी पे है तो वहां पे भी एक सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे दो इंच की दूरी तो दो सेंटीमीटर दूरी, या वॉट एवर जो भी रेशियो बनेगा, ठीक है। हमने ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो इमेज बना उस इमेज को कुछ तो भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे, हमको सेम फोटो चाहिए, बस उसका हमारा क्या हो रहा है साइज चेंज, साइज रिड्यूस हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ विंडो का एक्स एंड विंडो का वाई, ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ वी एक्स वी वाई, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं बीच का एक पॉइंट लिया हुआ हूँ। ठीक, अब देखो अब मेरे को रेशियो सेम रखना है, रेशियो सेम रखना है मतलब अगर ये सपोज मेरा 10 फीट का था और उसको मैं 10 इंच में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा 10 फीट का था मैं उसको 10 इंच में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस चीज़ अगर कोई चीज यहाँ पे 2 फीट की है तो यहाँ पे कहाँ पे दिखेगी, 2 इंच के बाद दिखेगी, बस वही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। मैं एक्स के लिए पहले कर रहा हूँ फिर वाई के लिए करेंगे, हम पहले एक्स के लिए करने के लिए डब्ल्यू एक्स माइनस
डब्ल्यू एक्स मीन अपॉन डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन, ये आपका बराबर होना चाहिए रेशियो वी एक्स माइनस वी एक्स मीन अपॉन वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मीन। ये क्या किया, समझ में आया क्या आप लोग को? सिंपली मैंने रेशियो निकाला इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वैल्यू है 2 फीट बाई 10 फीट, वही रेशियो यहाँ पर भी होनी चाहिए 2 इंच बाई 10 इंच। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 इंच में ड्रॉ कर रहे हो, 10 इंच का ही फिगर है, ठीक है। तो वो रेशियो आपका मेंटेन रहना चाहिए, जितना आपका ये डिस्टेंस है इसका रेशियो है, विंडो का रेशियो है, वही रेशियो आपका इस डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का होना चाहिए। तो उसी रेशियो को मैंने निकाला डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन, ये आपका डब्ल्यू एक्स मीन था, ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू एक्स। तो इस दोनों का जो डिस्टेंस है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, मैक्स माइनस मीन का जो डिस्टेंस, मतलब टोटल विड्थ जो है विंडो की, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, और टोटल विड्थ जो है व्यू पोर्ट की, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो आपका सेम होना चाहिए, समझे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा, वी विल फाइंड आउट वी एक्स माइनस वी एक्स मीन इक्वल टू डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन अपॉन वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मीन। कुछ बच रहा है क्या? हाँ, ये बच रहा है, डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन, ठीक है। और वी कैन राइट इट एज वी एक्स इक्वल टू वी एक्स मीन प्लस, कुछ कुछ लाइन के इक्वेशन जैसा दिख रहा होगा अगर ध्यान से देखोगे तो, डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन अपॉन वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मीन एंड इट विल डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन। मतलब आपको वी एक्स मिल गया, वी एक्स क्या, यहाँ पर जो सन के नीचे का जो पॉइंट है वो मिल गया, कहाँ से, डब्ल्यू एक्स के टर्म में। बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहेगी, व्यू पोर्ट का मीन मैक्स, विंडो का मीन मैक्स, ये सारा चीज आपका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आपका वी एक्स कैलकुलेट करना है विथ रिफरेंस टू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, ये वाली जो चीज है दिस इज कॉल्ड योर स्केलिंग फैक्टर, और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, कितने से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्केलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है। जैसे मैं x का किया हूँ, सिमिलरली y का भी होगा, y में आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई माइनस डब्ल्यू वाई मीन अपॉन डब्ल्यू वाई मैक्स माइनस डब्ल्यू वाई मीन इक्वल टू वी वाई माइनस वी वाई मीन वी वाई मैक्स माइनस वी वाई मीन, और सेम डेरिवेशन आएगा इसका भी, ठीक आया समझिए थोड़ा सा। तो ये होता हमारा विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी में क्या होगा, जब मैं वापस से इसमें आ रहा हूं, आपका जो डायग्राम था, स्क्रीन शेयर किया मैंने, ये जो था ये अभी हमने कहां पे किया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट और वी कैन से विंडो टू व्यू पोर्ट, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने किया, ठीक है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट टू विंडो, अरे बार बार बोल रहा हूँ, वर्ल्ड टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मुझे व्यूपोर्ट टू नॉर्मलाइज विंडो करना है तो क्या होगा, पहले लोकेशन पे आपका व्यूपोर्ट आ जाएगा और सेकंड पे नॉर्मलाइज विंडो आ जाएगा। नॉर्मलाइज विंडो के साथ आपके प्लस पॉइंट ये रहता है कि नॉर्मलाइज विंडो में आपका इसका विड्थ भी 1 यूनिट रहेगा और इसका जो हाइट है वो भी आपका 1 यूनिट ही रहेगा, ठीक है, विड्थ 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, ये आपका कहलाता है नॉर्मलाइज विंडो कोऑर्डिनेट। अब इस नॉर्मलाइज विंडो कोऑर्डिनेट से आप डिवाइस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल 4 इंच का मोबाइल है तो उसके अकॉर्डिंगली करेगा, किसी का मोबाइल 5 इंच वाला है तो उसमें करेगा, कभी लैपटॉप में देखा तो उसके अकॉर्डिंगली, देन इट विल बी इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम नॉर्मलाइज्ड विंडो टू रिक्वायर्ड
डिवाइस साइज. ओके सर, इसका थ्योरी दिया हुआ. हाँ सर, सर एक बार सेकंड वाला फॉर्मूला फिर से बताइए ना. हाँ, एक्स का कि वाई का? यही एक्स का, वी एक्स माइनस वी एक्स मिनिमम. हाँ एक मिनट बता रहा हूँ. ये मैं आपको ये भी बताया था, अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, कैमरे को कभी कभी हम लोग तिरछा लेके भी करते हैं, हम लोग जनरली बेस के स्टार्टिंग से नहीं लेते हैं, है ना. ये भी एक रहता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम. अगर आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो आपको रोटेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जनरली आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज नहीं आता है. ठीक है, वापस आ रहे हैं अपन. उसका फिगर बहुत छोटा हो गया, इसमें मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा चाह रहा था. ये तो समझ रहे हो ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यू एक्स मीन एंड डब्ल्यू एक्स मैक्स, है ना, ये समझ गए. वैसे यहाँ पे होगा डब्ल्यू एक्स सॉरी वाई मीन x max and y max. ठीक है, सपोज इसमें मेरे पास कहीं पे एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, ये डब्ल्यू एक्स, ये पॉइंट कहीं पे है मेरे को, जिसको ले जा करके कहाँ ड्रॉ करना है, मेरे को व्यू पोर्ट में ड्रॉ करना है. ये व्यू पोर्ट में कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होगा वी एक्स. अब मुझे करना कुछ नहीं है, इस वी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना होगा ये वैल्यू विथ रिफरेंस टू डब्ल्यू एक्स. अब वो डिपेंड करता है कि ये आपका विंडो का साइज सपोज 10 यूनिट था और यहाँ पे आके आपका ये 2 यूनिट हो गया है, तो कितने रेशियो से कम होना है. ठीक, तो उसी के लिए हम लोग ने ये डेरिवेशन किया था. इस डेरिवेशन में क्या है, विंडो के लेफ्ट एज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, विंडो का लेफ्ट एज मतलब डब्ल्यू एक्स मीन, विंडो का लेफ्ट एज हो गया. अब इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू मतलब डब्ल्यू एक्स जो कि दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, डब्ल्यू एक्स ये बड़ा वैल्यू, डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन. तो ये मैंने लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन. ठीक है, इसका जो है सर, हाँ सर, आप जो फॉर्मूला बताया उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ है क्या, चेक करना चाहिए. सर न्यूमरेटर में वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मिनिमम होना चाहिए और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मिनिमम. इनवर्स होगा सर उसका. हाँ, वो इधर को इधर लाया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया लग रहा है. ठीक बोल रहा हूँ, चलो नए सिरे से ही कर लेते हैं फिर उसको. ये मैंने लिखा था डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन अपॉन डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन. ये तो क्लियर है क्या, ये वाला जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर, यस सर, है ना, ये क्लियर है. वही न्यूमरेटर में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम था तुम लोग को लग रहा है, मेरे भी गड़बड़ है ना. अपने को वी एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एक्स. हाँ, तो ये वी एक्स ऊपर आएगा, सही बोल रहे हो. जब मैं इसको वी एक्स माइनस वी एक्स मीन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इक्वल टू आएगा वी एक्स मैक्स माइनस वी एक्स मीन अपॉन ये डब्ल्यू एक्स मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन इंटू डब्ल्यू एक्स मैक्स सॉरी डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन. अब सही हुआ? यस सर. ठीक है, यस सर. हाँ अच्छा, यहीं पे डाउट था तुम लोग को. अब ये वाली जो चीज है v बाई w, मतलब जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि 2 फीट का है 10 फीट का, तो ऑब्वियस चीज क्या हो जाता है, 2 बाई 10 आ जाता है ये चीज. तो 2 बाई 10 मतलब आपको पता चल गया कि जो भी मैं 10 यूनिट का कोई इमेज अगर कैप्चर किया हूँ तो उसको व्यू पोर्ट में मुझे 2 इंच में शो करना है. तो ये मेरा स्केलिंग फैक्टर आ गया 0.2. अब बाकी चीजें जो बच गई, ऑब्वियसली वो बच गई डब्ल्यू एक्स की पोजीशन क्या है, उससे हम डब्ल्यू एक्स मीन करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर का जो वैल्यू रहेगा वो यूज होगा. ठीक,
तो ये हमारा कहलाता है विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कर सकते हैं वी एक्स। अब ये चीज सही हो गई, वी एक्स मीन प्लस स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, एस एक्स, यही वाली चीज है, ये एस एक्स है मेरा पूरा, ये जो वैल्यू है, ठीक, इन टू डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स मीन। ठीक है, क्या आया समझ में ये वाला वी एक्स माय मीन? यस सर। सिमिलरली आ जाएगा आपका वी वाई भी आ जाएगा, वी वाई मीन प्लस एस वाई इंटू डब्ल्यू वाई माइनस डब्ल्यू वाई मीन। ठीक, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है? एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल नए पेज में लिख दे रहा हूं मैं, बनाना आपको ही है, टाइम नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे को, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल लिख के दिखा दे रहा हूं। परफॉर्म विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 0.68 इनसाइड विंडो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 68 को एक पॉइंट है विंडो के अंदर, अब मेरे को इसका रेस्पेक्टिव पॉइंट निकालना है कहाँ पे, व्यू पोर्ट में। तो विंडो की वैल्यू दी हुई है, विंडो ठीक है, ये विंडो हो गया और व्यू पोर्ट है, सारा चीज आपके पास दिया हुआ है, बस आपको न्यूमेरिकल में इसमें वैल्यू रख के आंसर लाना रहेगा, 11 से 68। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वी मीन, वी एक्स मीन, वी वाई मीन, वी एक्स मैक्स, वी वाई मैक्स, डब्ल्यू एक्स मीन, डब्ल्यू वाई मीन, डब्ल्यू एक्स मैक्स, डब्ल्यू वाई मैक्स। जनरली वैल्यू ऐसी देती है, एकदम स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देता है, लिख के आपको समझना पड़ेगा, जो वैल्यू छोटी है वो विंडो का मिनिमम लोअर लेफ्ट कॉर्नर है और जो बड़ी वैल्यू है वो अपर राइट कॉर्नर है। ठीक है, सिमिलरली ये अभी 6-8 का रेस्पेक्टिव वैल्यू उसमें रखेंगे तो आपको वी एक्स वी वाई मिल जाएगा। बना लोगे इसको? यस सर, कोशिश करेंगे सर, बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, अरे कोशिश करना नहीं होगा तो व्हाट्सएप करना या कॉल करना, बता दूंगा। यस, ठीक है सर, ये कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए रहेंगे ना? हाँ, ये पूरा क्वेश्चन दिए रहेगा, ये क्वेश्चन है पूरा, आंसर नहीं है मेरा, ये क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा और डिफाइंड फॉर्म में बोल सकता है इसको, जनरली बोल देता है जैसे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है ना, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर मतलब नीचे वाला विंडो का जो है, विंडो के इस पॉइंट की बात कर रहा है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर डब्ल्यू एक्स, या फिर बोलता है राइट अपर कॉर्नर, तो राइट अपर कॉर्नर, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यही मेरा मिनिमम एक्स मीन वाई मीन है, ये एक्स मैक्स वाई मैक्स है, सिमिलरली विंडो का एक्स मीन वाई मीन, एक्स मैक्स वाई मैक्स। और यहाँ पे मैंने सिंगल एक पॉइंट लिया, हो सकता है एक ट्रायंगल दे दे इसके अंदर, एक ट्रायंगल दे दे जिसमें एक 6-8 है, ठीक है, और दो तीन वैल्यू दे दे, 6-8 है तो आपका ये 8-8 हो जाएगा, और फिर ये आपका 7-8 हो जाएगा, 7-7 हो जाएगा, एंड सो ऑन वॉट एवर। तो ये आपको किस तरह से एक ट्रायंगल भी दे सकता है, इस ट्रायंगल का आपका ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू आपको निकालना रहेगा इसमें, छोटे वाले व्यू पोर्ट में 6-8 में, जिसमें ये आएगा ऑब्वियसली कुछ छोटा वैल्यू आएगा, 1.2 1.3 ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू बनती है, इसका मैं देखता हूँ अभी, मैं पुराने साल के पेपर से एक्चुअल लाइव क्वेश्चन भी देता हूँ इसको, मैं तुमको, ये तो मैंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया है, एक आध लाइव क्वेश्चन इसका मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप में अभी। यस सर, ठीक है।